नारी है तो पूरी दुनिया टिकी है, नहीं तो उनके बिना पूरी दुनिया फिकी है। कुछ ऐसी ही कहानी लेकर आ रही है हमारी लेडीज स्पेशल। नमस्कार, आपका स्वागत है नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी पर और मैं हूँ सोनाली। तो आइए जानते हैं आखिर ऐसी क्या खास बात है आज की नारी में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले सीजन से इस सीजन में डिफरेंस क्या है, इस सीजन में हट के फैक्टर क्या है? हम तीनों हैं ना सीजन में, डिफरेंट तो यही हो गया। छवि, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि आपने कहा था आप अपने एज से ज़्यादा मैच्योर इसमें रोल प्ले कर रही हैं, तो इसमें कितनी डिफिकल्टीज है? पहले तो मेरे प्रोड्यूसर ने ही मुझे बोल दिया था कि आप तो लगती ही नहीं है 30 की, आपको 30 का दिखाएंगे कैसे। सो दिस वॉज अ बिग कॉम्प्लीमेंट, वाओ ठीक है चलो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, कैरेक्टर को आपको प्ले करने के लिए, जैसे जो भी एज है प्रार्थना की 30 साल, उसके लिए मुझे सीरियसली बहुत सीरियस होना पड़ता है और बहुत सोच समझ करके, कि एक 30 साल की लड़की बहुत सोच समझ कर बोलेगी, ऐसे पटर पटर बोलती नहीं रहेगी जो मेरा कैरेक्टर है। तो उस चीज़ को प्लस हमने थोड़ा मेकअप में भी खेला ताकि मैं थोड़ी सी मैच्योर लगूँ फेस से, एक 30 साल की मैच्योर लड़की। तो हमने हर तरीके से इस पर मेहनत की, इस कैरेक्टर के लिए, मतलब अपने आप को कैसे मैंने इम्प्रूव किया इस कैरेक्टर में ढालने के लिए, या मेकअप के थ्रू या और भी सजेशंस ले करके। तो अब धीरे धीरे ऐसे लग रहा है कि हाँ, आई थिंक लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे उस कैरेक्टर में। चलो बहुत, ये तो देख के ही पता चलेगा। गिरिजा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि रियल लाइफ में अपने किरदार से कितना रिलेट कर सकते? बहुत ज़्यादा। सबसे पहली बात तो हम दोनों महाराष्ट्रियन हैं, दूसरी बात मैं भी माँ हूँ और वहाँ पे भी माँ हूँ सीरियल में भी। तीसरी बात ये है कि मेघना का जो नेवर से नकोरे बाबा, ये जो उसका एटीट्यूड है, कभी ना नहीं कहना किसी चीज़ के लिए, ऐसी मैं भी हूँ। और सिर्फ ना नहीं कहना इतना ही नहीं होता, उस ना को हाँ में बदलने के लिए मेहनत करने की भी तैयारी होती है, तो ये भी बहुत सिमिलर है। तो मेरे लिए मेघना बहुत ही मेरे जैसी है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है उसको प्ले करने में। मतलब बिल्कुल भी महाराष्ट्र में आप रोल भी प्ले कर रही, तो ज़्यादा टफ तो रहा नहीं होगा वो टच लाने में? एक्चुअली टफ है वो टच लाने में, क्योंकि आप अब मैं जब आपसे बात करी तो आप देख सकती है कि मेरे हिंदी में मराठी का ट्वैंग नहीं है, जो मुझे लाना पड़ता है। तो मैं वैसी हिंदी नहीं बोलती जैसी हिंदी मेघना बोलती है, मैं मराठी अलग से साफ बोलती हूँ और हिंदी भी ठीक ठाक ही बोल लेती हूँ। तो इन दोनों को मिक्स करके जो बम्बैया हिंदी और मराठी इन्फ्यूज़्ड हिंदी बोलनी होती है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा आई हैव टू वर्क ऑन दैट। वो आसान नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं वैसी हिंदी नहीं बोलती, पर मज़ा आता है क्योंकि बीच बीच में एक हाथ वर्ड मैं मराठी का डाल देती हूँ, जिसके प्रोनंसिएशन काफ़ी ठीक ही होते हैं क्योंकि मैं मराठी में बात कर सकती हूँ, तो मज़ा आता है ये करने में। जोशी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहा आपके लिए? मेरे लिए ये एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग रहा अब तक, क्योंकि लोगों को लगता है कि बींग बबली एंड इतने सारे डायलॉग्स बोलना, गुजराती है तो गुजराती टोनेशन नाना बहुत इजी होगा। मुझे भी पहले लगा था कि ठीक है ना, गुजराती तो बोलना है, वही तो हूँ मैं, बट एट द सेम टाइम वो ओवर एक्टिंग ना लगे, लाउड ना लगे, कन्विंसिंग लगे, नेचुरल लगे, कि ऐसे ना लगे कि यार वो ज़बरदस्ती का गुजराती घुसाया जा रहा है। तो बहुत डिफिकल्ट है, एंड शी इज़ टू टॉकेटिव, इवन इन रियल लाइफ आई एम टॉकेटिव। इनका लुक आने ही वाला था, उसके पहले ही मैं बोल देती हूँ। सो आई टॉक अ लॉट। बिंदु और बीजल दोनों स्ट्रेंजर से भी 2 घंटा बात कर सकते बिना नाम पूछे। सो बट जब ढाई ढाई तीन तीन पेज के डायलॉग्स आते हैं, जिसमें आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, सामने वाला पूछ रहा है कि मुद्दा क्या है, सो तब ऐसा लगता है कि यार बस अब थक गए यार। सो या बट इट्स फन, एंड द गुड पार्ट इज कहीं ना कहीं बिंदु के कैरेक्टर में से जो जितनी वो पॉजिटिव और हैप्पी गो लकी, आई थिंक आई लर्न हर एक चीज़ को उसके वे में देखना कि यार कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही रहा है। सो उसका एक डायलॉग है कि यार जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। इस शो का आपके अकॉर्डिंग बेस्ट पार्ट क्या है? मैं बताऊं? हाँ जी, मैं बताऊं, इस शो का बेस्ट पार्ट ये है कि जब बिंदु जी के साथ हमारे सीन्स होते हैं तो हमें बड़ा आराम मिलता है, क्योंकि सारी लाइनें सिर्फ इनकी होती है। तो हमें जब पता चलता है कि हम तीनों शूट करने वाले हो, तो हम ऑलमोस्ट मतलब उठ के ऐसे आ जाते हैं सेट पे कि आज तो कुछ काम ही नहीं है, बोलना तो इनको है। हालांकि ये लेडीज़ स्पेशल है, तो हम आप तीनों से जानना चाहते हैं ऐसी एक लेडीज़ की स्पेशल क्वालिटी जो हर एक मर्द को, हर एक इंसान को जाननी चाहिए। पूरी लेडीज ही स्पेशल है, और क्वालिटी क्या जानी है? सारी क्वालिटी जस्ट अ बेटर क्रिएशन, भगवान का ना श्रेष्ठ, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट देयर आर बेटर क्रिएशन। एग्जैक्टली, भारत की महिलाओं के लिए हमारी हम तीनों की तरफ से मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, वो ये है कि इस शो में अदर देन द बेस्ट पार्ट कि ये सारे किरदार असली है और ये आप इस
आप इनसे रिलेट कर सकते हो। एक और बहुत खास बात है ये कि ये तीनों आपस में एक दूसरे की लाइफ में एक दूसरे को बहुत हेल्प करती हैं। तो ये सिर्फ फ्रेंड्स नहीं हैं, ये फ्रेंड फिलोसोफर गाइड्स हैं एक दूसरे की। और मुझे लगता है औरतों ने एक दूसरे को इस तरह से सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी, ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट मैसेज है। तो ये थी खास बातचीत हमारी लेडीज़ गैंग के साथ। बाकी के अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड।